हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल एमी स्वाद में। आज हम बनाएंगे अनियन रिंग पकौड़े। ये बनाना बहुत ही ईजी और झट से भी बन जाते हैं। जब भी मेहमान आ जाए या शाम के वक्त जब भूख लग जाए हल्की फुल्की, तब आप इसे बना के खा सकते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। चलिए तो इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक कप बेसन काटा लिया और यहाँ पर मैंने ये देखिए बड़े साइज के दो प्याज लिए, तो इससे हमारे अच्छे से रिंग निकलेंगे, इसलिए मैंने दो साइज़ के बड़े प्याज लिए। और मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है कुछ और एक हरी मिर्च ली है। अब अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इस तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिक्सी में इसे डाल दूँगी, मिर्ची के टुकड़े करके डाल देंगे हम इसमें। अब इसका हम थोड़ा सा बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसका दरदरा पेस्ट बना लिया है। अब हम प्याज को काट लेंगे। प्याज का सबसे पहले हम छिलका निकाल लेंगे। मैं इसको थोड़ा धो लूँगी ऊपर की ओर से, ताकि जो इसका थोड़ा सा गंदा पानी वो निकल जाए। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए हमें इसे इस तरह से रिंग में काटना है, तो इस तरह से हम गोल गोल कट कर लेंगे इसे, देखिए इस तरह से। और इसके रिंग इस तरह से निकाल लेंगे, साइड में अलग अलग कर देंगे सभी को इस तरह से। तो इसी तरह हम सभी को काट लेंगे और इनकी सभी रिंग्स अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह सभी रिंग्स मैंने इसे अलग अलग कर लिए और इसे पानी में डाल दिया है। अब हम इसका बैटर बनाएंगे बेसन का। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक कप बेसन लिया है। अब इसमें हम कोथिंबीर यानी कि जो हरा धनिया और हरी मिर्च जो पेस्ट बने इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने इसमें एक हरी मिर्च डाली इसलिए हम कम डालेंगे इसमें। अब मैं इसमें एक चम्मच अजवाइन डालूंगी, थोड़ा क्रश करके डालूंगी इसमें। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी, एक टेबलस्पून तेल डालूंगी। अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसका एक थोड़ा सा पतला बैटर बनेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, तो हमारे जो अनियन रिंग्स है इसमें अच्छे से डीप हो जाए, इतना ही हम इसका पतला बैटर बनाएंगे। पानी डालेंगे। तो देखिए इस तरह से पतला बैटर चाहिए, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज्यादा पतला भी नहीं है। अब इसे हम साइड में रख देंगे, तब तक हम ऑयल गर्म करने के लिए रखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम जो अनियन के हमने रिंग निकल के रखे, तो ये यहाँ पे मिश्रण में डाल देंगे इसे, इसे मिक्स करेंगे। और देखेंगे पहले हम तेल चेक करेंगे गर्म हुआ कि नहीं, एक ड्रॉप डाल के देखेंगे। तो देखिए तेल गर्म हो गया है यहाँ। अब हम एक एक रिंग को डालेंगे इसमें, आप चाहे तो चम्मच की सहायता से भी इसे डाल सकते हैं इस तरह से। इसी तरह हम सब रिंग्स को डाल देंगे।
तो देखिए अब इसे हम पलटेंगे। हमने इसमें खाने वाला सोडा नहीं डाला है, बिना सोडे का हम बना रहे हैं। ये वैसे भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं बगैर सोडे के। तो देखिए इसे थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। तो गैस को हमने लो टू मीडियम पे रखा है ताकि अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाए। ये फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए बाकी की सब हम तल लेंगे इसे। तो जो हमने अनियन स्ट्रिंग निकाल के रखे उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, जरूर इसे ट्राई कीजिए। इसी तरह से आप बनाओगे तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, एक नया रेसिपी बन जाएगी। ये अलग तरह से अगर आप पकौड़े बनाओगे तो बच्चे प्याज भी खाने लगेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे अनियन रिंग पकौड़े बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। इस तरह से आप पकौड़े बनाएंगे तो घर में सभी लोग पसंद से खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे, अनियन जो नहीं खाते वो भी खाने लगेंगे। तो देखिए बहुत ही क्रिस्पी बन गए। इसे आप चाय के वक्त, शाम के वक्त भी बना के खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।